नमस्कार, यूपीएससी कनेक्ट में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है क्लास सिक्स को, उसको हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स है और बेसिक्स के लेवल पे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बट चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें है सोलर सिस्टम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके, सोलर सिस्टम है। उसके बाद जो है टॉपिक है जो वो है हमारा ग्लोब का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद हम अर्थ के मोशन को समझेंगे और उसका क्या रिलेवेंस है ज्योग्राफी में। मैप को समझेंगे, जो मेजर डोमेन्स है अर्थ के ऊपर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, उसको समझेंगे। जो मेजर लैंडफॉर्म्स है अर्थ के ऊपर, बेसिक्स जो ज्योग्राफी होती है जिसमें प्लेट्यू, माउंटेन, डेजर्ट, ये सब है, उसको देखेंगे। देन लास्ट के टू टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे इंडिया के प्रोफाइल को, ज्योग्राफिकल प्रोफाइल जो इंडिया का है उसको, उसके साथ साथ उसका क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैसा है, इन चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और उसके बाद हमारा सन है, ठीक। सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉयड है, मीटियोर्स हैं, एंड ये जो टोटल टॉपिक्स हैं जैसे मीटियोर्स हो गया, मीटियोर्स, कॉमेट, ये सब जो है ये सोलर सिस्टम के पार्ट है, ठीक। बेसिक जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स जो है उसके फॉर्म होता है। उसी में एक जगह हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट भी है। तो जब हम इसको कवर करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ जाते हैं वो रेलेवेंस में आते हैं, प्री के लिए भी और मेंस में भी, ठीक है। तो इसको हम, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, कौन से दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल या फिर जोवियन प्लैनेट्स में डिवाइड करते हैं। एक ही प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, वो अर्थ है। फिर प्लैनेट्स जितने हैं उनमें कितने सैटेलाइट्स हैं, जो जनरल प्रोफाइल जो सोलर सिस्टम में होता है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो सोलर सिस्टम स्टार्ट होता है वो होता है सन, सन और उसके बाद इसके, इसको रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स, ठीक। तो सन जो है वो सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। सन रिवॉल्व नहीं करता है लेकिन अपने एक्सिस पे वो रोटेट जरूर करता है, और वो भी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, जितना इक्वेटर पे रोटेट करता है उससे कहीं ज्यादा स्लो वो पोलर रीजन पे रोटेट करता है। इट इज अ गैसियस जायंट, स्टार है, गैस है। गैसेस यहाँ पे रोटेशन अलग तरीके से करते हैं और इक्वेटोरियल रीजन पे थोड़ा सा फास्ट रोटेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, उसके अगेंस्ट प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सन के ऊपर जो है अवेलेबल है, और इन्हीं के रिएक्शन से जो है वो एनर्जी हमें मिलती है। सन एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके वजह से हमें अर्थ पे एनर्जी या फिर हीट का जो सोर्स है वो हीट जो है वो हमें मिलता है, ठीक। चलिए प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे पहले जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थ, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। ये मैंने मेंशन किया जो अभी बताया आपको, सन जो है वो अपने रोटेशन जो है उसको क्लॉकवाइज है, और उसके अगेंस्ट जो फिक्स डायरेक्शन में ऑर्बिट है प्लैनेट्स का वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। प्लूटो सबसे फार्थेस्ट है, हालांकि इसको हमने अभी अपने सोलर सिस्टम में नहीं रखा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट है, इसके बावजूद ये हॉटेस्ट नहीं है। इसका कारण ये है कि जितना साइड मरकरी का हॉट होता है उतना ही वो कूल होता है, और ऑन एन एवरेज जब हम इसके टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट होने के बावजूद हॉटेस्ट नहीं है, ठीक है। हॉटेस्ट विनस है। कारण एक ये भी है कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का एटमोसफेयर नहीं है, जबकि विनस पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। एटमोसफेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इस वजह से, ठीक। फिर अर्थ है, अर्थ नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। यूनिक प्लैनेट है क्योंकि लाइफ को सपोर्ट करता है और वाटर अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, ये चीज है। अर्थ का इकलौता सैटेलाइट, एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं, ठीक। 1/4 ऑफ अर्थ का है इसका जो साइज है वो है। हम
एक ही साइड जो है वो मून का देख सकते हैं, और वो भी तब जब नाइट होती है, जब हम सन को, सन के रेस को फेस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है एस्टेरॉयड। ये आपका मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलेगा। ठीक है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ये जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वैसे ये भी चारों तरफ जो है वो सन के ऑल साइड रिवॉल्व करता है। ठीक है, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड जो है वो है सीरस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मीटियोरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। अगर ये किसी भी तरीके से सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं, जैसे अर्थ के केस में ले लेते हैं, तो अगर ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और उसमें बर्न हो जाते हैं तो इसको मीटियर्स बोलते हैं, जिसको टूटता तारा भी बोलते हैं। और अगर किसी तरीके से ये सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ पार्ट सर्वाइव कर जाता है और ये सरफेस पे पहुंच जाता है, तो जब हमें, जो हमें दिखता है सरफेस पे जब हम उसको निकालते हैं, तो उसको हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पे रॉइड के जगह पे TES लगा दीजिएगा, मीटियोरॉइड्स हो जाएगा। ठीक, तो ये है, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सी है, उसमें एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका जो पार्ट है वो है हमारा, उसमें हमारा सोलर सिस्टम एक्सिस्ट करता है। ठीक है, इसको हिंदी में आकाशगंगा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज है। द मून अपियर्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स, अलग अलग शेप में भी, अलग अलग साइज में अपियर करता है, इसको फेसेस ऑफ मून कहते हैं। ठीक, ये है। देन देयर आर सम स्टार्स विच मेक अ पर्टिकुलर पैटर्न, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक, और कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं उसको डिफाइन करने का एक ही है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, उसमें जो है आपका बिग बियर बोलते हैं, ठीक है, कौन, उर्सा मेजर, या फिर स्मॉल बियर, सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तऋषि का जो इमेज है वो इस तरीके से बनता है। ठीक, चार, ये पांच हो गए, ठीक, और फिर 6 और 7, और ठीक इसके अपोजिट जो एक स्टार होगा वो आपका होता है पोल स्टार। ठीक है, ये हमेशा एक ही पोजीशन जो है वो रिटेन कर लेता है नाइट में, इसी के वजह से हमें नॉर्थ का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज है। अर्थ एंड मून आर पार्ट ऑफ बिगर सिस्टम और फैमिली सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ये दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और मून हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वजह से, अर्थ मून एंड सन के वजह से टाइड होता है, टाइड लाइफ एंड इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसको बाद में भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, ओके, सो और कौन से प्लैनेट्स हैं? विनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये प्लैनेट्स हैं जो आपका हमारे 9 सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें से हैं। ओके, अब क्या चीज आपको ध्यान रखना है, याद करने के लिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। ओके, ये एक टर्म है जिसको बहुत अच्छे से याद किया जाता है राइम के साथ। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को हमने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। 2006 के बाद हमने इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया और इसको निकाल दिया, क्योंकि इससे बड़े साइज के जो है और प्लैनेट्स जो है, और जो स्पेस के जो बॉडीज होते हैं जिसको हम एस्टेरॉयड कह सकते हैं, वो हमें मिले हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको हमने बाहर निकाला हुआ है। अभी फिलहाल ये प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक, द मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ, वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो बेसिक प्रोफाइल में आपका यही है इंपॉर्टेंट। देर आर सेवरल अदर टाइनी बॉडीज इन स्पेस जिसको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं, जो मूव करता है। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सन की तरफ बढ़ते हुए बर्न कर जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो अर्थ की तरफ आते हुए बर्न कर जाते हैं। तो सन वाले को तो हम कॉमेट बोल देते हैं, अपने वाले को हम मीटियर्स बोलते हैं। ये चीज आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक, देन सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स नॉट बट नॉट ऑन द अर्थ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, और स्मॉल की बात होगी, बिग में तो आपका, जब आप बिग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो या तो वो प्लैनेट होगा या तो वो स्टार होगा। तो ये चीज है, और सेलेस्टियल बॉडीज में सभी आते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे एस्टेरॉयड वगैरह तो स्मॉल बॉडीज आ जाएगा। ठीक, स्टार
दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग वेरी हॉट एंड बिग मेड ऑफ गैसेस और ये अपना लाइट एंड हीट एमिट करता है. जब हीट एंड लाइट एमिट करने वाली बात आएगी तो वो स्टार होगा, अगर नहीं कर रहा है तो स्टार नहीं है. फुल मून नाइट क्या होता है? व्हेन मून इज विजिबल कंप्लीटली, पूरा का पूरा मून जो है वो नाइट में हमें दिखता है. ठीक. देन न्यू मून लाइट, न्यू मून नाइट का मतलब हो गया मून नहीं दिखता है, अमावस की रात बोलते हैं इसको और उसको पूर्णिमा की रात बोलते हैं. कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ सेवरल स्टार्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डेफिनेट पैटर्न. सेवरल स्टार्स का जो ग्रुप है जो एक डेफिनेट पैटर्न में होता है उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज जो रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर स्टार का, जैसे इन केस ऑफ अर्थ वो सन के रिवॉल्व करता है. सैटेलाइट्स सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट. ओके, अर्थ के पास एक है, जुपिटर के पास मोर देन 60 है. ऑर्बिट ये एक पाथ होता है जो कि जनरली एलिप्टिकल होता है. एलिप्टिकल का मतलब हो गया कि एक जो डिस्टेंस होगा रिवॉल्व का वो दोनों साइड में डिफरेंट होगा. सेकेंडली एक तो आप ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये एक पैटर्न हो गया बिल्कुल स्ट्रेट, ये नहीं होगा एलिप्टिकल. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको यूं रोटेशन कर रहा है तो ये एलिप्टिकल होगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. देन सन, सन इज ए स्टार. इनर प्लैनेट्स एस्टेरॉयड के पहले वाले प्लैनेट्स जो एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले हैं, जिसमें आपका मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स आता है. इनके जो सरफेस है ये रॉकी सरफेस है. इसके बाद के जो सरफेस है, जो प्लैनेट्स के सरफेस है वो कंप्लीटली गैसियस है, जोवियन प्लैनेट बोलते हैं या आउटर प्लैनेट बोल देते हैं. ठीक, जिसमें जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून आता है. ठीक, जियोइड, जियोइड शेप ऑफ द अर्थ, इसको हम जियोइड बोलते हैं. स्फेरिकल एक्सेप्ट फॉर द फ्लैटनिंग एट द टू प्लेसेस. ठीक, आपने देखा होगा अर्थ जो है ना वो सेंटर पे बल्ज्ड है, ये बल्ज है सेंटर पे और ऊपर फ्लैट पार्ट है. ओके, सेकेंडली आप ये ध्यान रखिएगा कि अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है. ओके, और जो एलिवेटेड पार्ट है वो माउंटेन है और जो नीचे वाले पार्ट है उसमें समंदर है, और इस तरीके से वो कंप्लीटली दिखता ऐसे है जैसे कि वो सर्कुलर हो. पोल्स प्लेसेस डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, जैसे ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल. ओके, ये पोल्स हैं. एस्टेरॉयड लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज जो मूव करता है, जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में है. मेटेरॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, विच आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. बता चुका हूँ मैं, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा बर्न कर जाएगा तो इसको हम मेटियर्स बोलते हैं, और सरफेस पे किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाता है तो इसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं, TES वाला. ठीक, गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स, बहुत सारे स्टार. अब एक स्टार है तो इसके अराउंड फिर प्लैनेट्स भी होंगे, तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे हजारों प्लैनेट्स होंगे क्योंकि उसमें कई हजार आपके जो है स्टार्स होंगे, और हर स्टार जो है एक सोलर सिस्टम फॉर्म करेगा, और एक सोलर सिस्टम हमारे में 9 है, कईयों में इससे ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे. ठीक, तो इस तरीके से है. देन यूनिवर्स इज अ टेस्ट यूनिट विच वी लीव, हम पूरे स्पेस को हम यूनिवर्स बोलते हैं. ठीक, तो ये आपका पहला टॉपिक था जिसको हम सोलर सिस्टम समझ कहते हैं. ठीक है, और इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टर्म्स है ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका मीटियोर मेटेरॉइड्स मेटेरॉइड्स आता है, कॉन्स्टेलेशंस आते हैं, नॉर्थ पोल आता है, नॉर्थ स्टार आता है, एट्सेट्रा.